इसके निकाह के लिए मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए जी। मुझे बिल्कुल शरीफ खानदान से लड़का चाहिए, क्योंकि हम भी एक शरीफ और गरीब लोग हैं। मैं चाहूंगी कि जो लड़का हो वो भी ऐसा ही हो, शरीफ हो, और ज्यादा कोई अमीर ही नहीं चाहिए। बस लड़का इज्जतदार घर से हो, इतना ही चाहिए। हाँ फारूक अंकल, आप भी है क्या? हाँ, मेरा नाम फारूक खान है जी। ये कौन है? ये मेरी भाई की लड़की, भतीजी समझो मेरी। अच्छा अच्छा, ये है जोया। अच्छा, जोया नाम है इनका। मेरा नाम जोया है। तो बताइए अंकल जी, क्यों बुलाया मेरे को? मैंने इसलिए बुलाया है कि ये मेरी बेटी है, जो मेरा छोटा भाई था वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया था, उसकी घरवाली भी मारी गई थी। हाँ। इसको बचपन से मैंने ही पाला, इसको MBBS भी करवाई है। अच्छा, आपने MBBS कर रखी है? हाँ। और इसको कहाँ कहाँ से मैंने, जैसे भी मेरा कोई अपने लिंक में रिश्तेदारी में कोई रहा है, उससे पैसा वैसा लेके मैंने इसको अच्छा तरीके से पढ़ा। गरीबी के दिन देखे हैं, मेरे चाचा जान ने बहुत मेहनत करी है मेरे को पढ़ाने। तो मैं इसका अब निकाह पढ़वाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एक अच्छा लड़का, पारिवारिक लड़का चाहिए, जो तीन टाइम की नमाज पढ़ता हो। मतलब आपको एक लड़का चाहिए, मतलब इनकी इनका निकाह करवाने के लिए? हाँ। जो तीन टाइम की नमाज पढ़ता हो। हाँ। लड़का घरेलू होना चाहिए, जो मेरा ध्यान रखे, मेरे घर वालों का ध्यान रखे, ऐसा लड़का चाहिए। नशे वशे कुछ भी ना करता हो, पढ़ा लिखा सादा हो, पढ़ा लिखा हो, जैसे मैं पढ़ी लिखी हूँ वैसे वो भी पढ़ा लिखा हो। तो वैसे आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी उम्र 21 की हो जी। अच्छा, 21 जी। तो मतलब लड़का दिल्ली का चाहिए, यूपी का चाहिए, कहाँ का चाहिए? दिल्ली से हो जाए, आगरा से हो जाए, चल जाए। अच्छा, दिल्ली और आगरा कहीं से भी? आगरा से, आगरा से हम चाहेंगे। आगरा का ही लड़का मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी कोई किसी गांव वगैरह का कोई अच्छा लड़का मिला अच्छा तो? घर से हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत अच्छा लड़का। अच्छा अच्छा लड़का चाहिए बस आपको, जो पारिवारिक हो? पारिवारिक हो जी। मेरे चाचा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर ही बहुत लगाया है। पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, हम तीन कपड़ों में ही दे सकते हैं लड़के। मतलब आपके पास दहेज देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है? तो आप ये मतलब मंदिर जो निकाह वगैरह, मस्जिद में शादी करोगे? मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद में आप शादी करोगे। तो वैसे एक बात बताइए, आप मतलब इतने अच्छे दिखते हो, आप अच्छी फैमिली से लग रहे हैं मेरे को दोनों, तो अभी तक कोई लड़का मिला क्यों नहीं आपको? कोई लड़की में प्रॉब्लम है? मिले हैं, बहुत लड़के मिले हैं, जो कि मतलब हमें हमारी समझ से बाहर है, लड़की के हिसाब। अच्छा, मतलब कोई अच्छा लड़का नहीं मिला आपको? अच्छा लड़का ही चाहिए। पढ़े लिखे भी आजकल ऐसे निकल जाते हैं, जो बताया कुछ जाता है निकलते कुछ है। हमने एक दो लड़के देखे हैं, जो लड़के देखे हैं हमने, उनको देखा, मिले, फिर हमने उनकी थोड़ी इंक्वायरी देखी, तो वो साइड में बैठ के कोई सिगरेट पीता है, कोई पत्ते खेलता है, बोलते तो ऐसा नहीं चाहिए। कोई सच्चा अभी तक मिला नहीं है। पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, लड़की MBBS पास ना भी हो तो चलेगा, लेकिन घर परिवार वाला होना चाहिए, जो मेरा ध्यान रख सके जी। जब मैं गोद में थी, बहुत ही छोटी थी मैं, अपने चाचा जान की जब गोद में थी, तब ये हादसा हुआ था। मेरे चाचा जान ने बहुत, मतलब जब आपके मम्मी अब्बू अम्मी एक्सीडेंट में खत्म हुए थे जी, जब मेरे, मैंने बहुत मुश्किलों से पाला इस लड़की को, मुझे पता है मैंने इसको कैसे पाला है। पर कभी मेरे चाचा जान ने मुझे किसी चीज के लिए इनकार नहीं किया, हमेशा उन्होंने मेरी सारी चीजें पूरी करी हैं। मैंने इस लड़की को फूल की तरह रखा है, गुलाब के फूल की तरह। अच्छा, मतलब आपने बहुत ही बहुत इज्जत से, मान से, लाड से पाला है, चाहे मुझे कहीं से कर्जा भी लेना पड़ा तो कोई नहीं, मैंने इसको बड़े मेहनत से पाला। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी भी हमने बहुत देखी है, बहुत मेहनत भी करी है मेरे चाचा जान ने, मैंने देखा है उन्होंने कैसे कैसे मुझे पाला है। तो मतलब आप प्रॉपर डॉक्टर बनी जाओगे कुछ सालों में? है जी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा आप बता दो आपने कोई? कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, 888-999-551। अच्छा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर है जी। और मेरे अब्बू अम्मी का सपना था बचपन से ही, मतलब मेरे चाचा जान ने मुझे बताया था कि वो लोग चाहते थे कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं और अपने अम्मी अब्बू का सपना पूरा करूं। मैंने भी कहीं कमी नहीं छोड़ी है इसके लिए, लेकिन नहीं, ये तो देखो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक, जो आपके छोटी भाई की लड़की थी आपने पाल के इतना बड़ा करा, उन्हें MBBS करवा दिया। बेटी से भी बढ़ के आई, बेटी से बढ़ के, जब आप अच्छा लड़का ढूंढ रहे हो, एक अच्छा लड़का, अगर आपकी निगाह में भी कोई हो अच्छा लड़का। देखो जी, मेरा काम तो देखो वीडियो बनाने का, डालने का है, बाकी लोग आपकी स्टोरी देखेंगे। आप वीडियो डाल देना, और जो भी इन वीडियो फिर भी को वैसे देख भी मैंने देखा है कि आप भी कई लोगों की मदद करते हो। नहीं, देखो हम मदद काफी लोगों की करते हैं, काफी लड़कियों की शादी करवाई है। हाँ। तो कोई लड़का अच्छा जरूर मिलेगा। हाँ। बाकी जैसे कोई मिलेगा मैं आपके पास आकर आपसे कॉन्टेक्ट करता हूँ। और बस शुक्रिया, कमेंट करना जो भी वीडियो देख रहा है वो हमें बताना। आगरा का लड़का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी लड़का अच्छा चाहिए कहीं का भी हो, पर आप लोग कमेंट करना और हमें जरूर बताना, हम अपना नंबर आपको दे देंगे। नंबर हाँ मिल गया, आप कर देना। ठीक है, तो गाइस आप सारी चीजें समझ गए होंगे, ये इनके चाचा जान है और ये मतलब हमारे हिंदू धर्म में तो भतीजी कहते हैं, अब इनकी भतीजी एक तरीके से, तो इन्होंने पाल पोस के बड़ा बेटी की तरह ही है। हाँ, तो इनको एक शादी का लड़का चाहिए निकाह करवाने के लिए। ठीक है अंकल जी, बाकी कोई भी कॉन्टेक्ट करेगा मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है।